हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे मेरे नॉन मुस्लिम भाई, हिंदू भाई मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या हमें सऊदी अरबिया से निकाला जाएगा या फिर हम सऊदी अरबिया जॉब के लिए नए नहीं आ सकते क्या। इसी के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। بسبب رسالة الرسول وحنا كشعب كويتي ومسلم لنا رسالة الرسول तो देखिए, एक्चुअली इंडिया में रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ ना, उसको लेके जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। नूपुर शर्मा नाम करके कोई बीजेपी लीडर ने गलत टिप्पणी की हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके अगेंस्ट में। तो क्योंकि हमारे नबी से जो है सबका, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में सबका बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात है, और आप अगर हमारे नबी का इंसल्ट करते हो ना, तो ये कंसीडर किया जाता है सारे मुसलमान का इंसल्ट। क्योंकि देखिए सिंपल, अगर आप रिलीजियस हो, धार्मिक इंसान हो, तो धर्म को आपको सही से मानना होगा। अगर आप धर्म को सही से नहीं मान रहे हो तो फिर धार्मिक कहलाने का कोई मतलब नहीं बनता। सिंपल सा मेरा थॉट ये है। तो अगर आप कोई धर्म को मानते हो, चाहे इस्लाम हो या हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, तो उसको आप सही से मानिए। अगर सही से नहीं मानते हो, बस दिखावे के लिए मान रहे हो, तो फिर ये ड्रामा करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी के भी धर्म को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, और ना ही फोर्स करना चाहिए किसी को कि तुम ये धर्म मानो। जो लोग फोर्स करते हैं वो गलत है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ट्रांजेक्शन वगैरह देखता हूँ कुरान का, उससे मैंने यही सीखा है कि किसी भी धर्म के इंसान को हट करने का अधिकार अल्लाह ने मुझे नहीं दिया है, और ना ही किसी को मैं फोर्स करके इस्लाम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिर्फ मैं हिदायत दे सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है, लॉजिकल प्रूफ के साथ में। बंदा अगर डिनाई करता है, नहीं मानता है, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, और यही चीज़ बाकी लोगों को भी करना चाहिए। तो रिसेंटली कुछ सालों में आप ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते, इंडिया में ऐसा हो रहा, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा, टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आए दिन होते रहते हैं। देखिए, इसको आप लोग भी इनकार नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ सारे हिंदू बुरे नहीं होते, और सारे हिंदू जो है मुसलमान के अगेंस्ट नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मैंटालिटी है, कट्टरता है सोच में। कुछ मुसलमान भी ऐसे होते हैं जो हिंदुओं के बारे में सोचता है, बाकी धर्मों के बारे में सोचता है, लेकिन जो रियल में एजुकेटेड लोग हैं, जानते हैं, वो कभी नफरत नहीं करते किसी से। तो जितने भी मुस्लिम कंट्री है वो नाराज़ है इंडिया से कि इस तरह का हरकत आए दिन बढ़ रहा, और वहाँ की गवर्नमेंट ऐसे लोगों पे कुछ एक्शन भी नहीं लेती है, इसको लेके नाराज़गी जताई है। डे बाई डे ये सारा चीज़ बढ़ रहा। रिसेंटली कुछ स्टेट्स में हिजाब को लेके पाबंदी लगी, मस्जिदों में नमाज को लेकर रोका जा रहा, मुसलमानों को उनका जो रिचुअल है उसको फॉलो नहीं करने दिया जा रहा। तो ये सब चीज़ को नोटिस किया जाता है। अभी सोशल मीडिया में बहुत पावर है, भले ही इंटरनल मीडिया ये सब चीज़ को दबा देती है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू पता चल जाता है। तो जितने भी मुस्लिम कंट्री है, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी अरबिया, OIC का जितना भी कंट्री है, इसमें लगभग 57 मुस्लिम कंट्रीज़ है, तो सब लोग जो है नाराज़गी जता रहे इंडिया से कि ये सब सही नहीं हो रहा, क्योंकि सबको अधिकार है अपना रिलीजन को फॉलो करने का। कतर तो इतना ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि कतर में 3 दिन का दौरा में हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो गए हुए हैं, और सोचिए आप, ये हरकत हो गया इस तरह से। तो मतलब कितना शर्मिंदगी उठाना पड़ता है उन लोगों को जो एम्बेसी में बैठे हुए हैं, हमारे देश के लोग, उनका सर जो है शर्म से कितना झुकता होगा। तो ये सब चीज़ डे बाई डे बढ़ रहा है, इस्लामोफोबिया इसके अगेंस्ट में है। जितने भी मुस्लिम कंट्री वो हिंदूज़ को यहाँ से निकालेंगे, काम नहीं देंगे, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया है। कुछ सिटीजन्स ने मुस्लिम कंट्री के ये मांग उठाई है कि अगर इस तरह का हरकत इंडिया में होगा तो हम फिर इंडिया का सामान को नहीं खरीदेंगे। पब्लिक के साथ साथ में बहुत सारे ऑफिशियल पर्सन्स, अच्छे लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भी बुरा लगा इस तरह के स्टेटमेंट सुनने के बाद।
तो फिर बहुत सारा सामान को जो है बंद करना पड़ा बेचने के लिए। अभी भी जारी ये सब चीज़ कतर में और कुवैत में ज़्यादा है, लेकिन ऐसा हालात नहीं है कि हिंदूज़ को कोई दिक्कत होगा या फिर यहाँ से निकाला जाएगा, ऐसा कोई प्लान नहीं है यहाँ के गवर्नमेंट का। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ के लोगों की सोच जो है इस तरह की है। मैं यहाँ पर रह के देखता हूँ, प्रैक्टिकल बात करूँगा, जितने भी मेरे साथ में मेरे हिंदू फ्रेंड्स काम करते हैं, हम लोग तो एक साथ में रहते भी हैं। मेरे रूम में दो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं दोनों, हम लोग एक साथ में खाते हैं रहते हैं, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना उनकी ऐसी मैंटालिटी है। और हम लोग मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट में काम करते हैं सऊदीज़ के साथ में, कभी नहीं देखा कि उन्होंने पार्शलिटी किया। वो लोग इवन जानते भी नहीं, नोटिस भी नहीं करते कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सिर्फ़ हमें हिंदुस्तानी समझते हैं, वी आर इंडियंस। उनको ये सबसे मतलब ही नहीं यार। ये नफ़रत ज़्यादातर मैं देखता हूँ हमारे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में, यहाँ पे ये सब चीज़ को लेके उतना बात ही नहीं उठता है। तो प्लीज़ जो भी लोग नेगेटिव सोचते हो एक दूसरे के बारे में, हैट्रेड फैलाते हो, बंद कर दो यार। छोटी सी लाइफ है, छोटी सी लाइफ को आप सोचो कि कैसे सही से हम जिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ जियो। हयात मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब मर जाओगे पता नहीं, अच्छा काम करो, इंसान को खुश रखो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अगर आप इंसान को खुश नहीं रखोगे, अल्लाह आपसे खुश नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।